तो अभी फ़िलहाल यार मैं ना जामा मस्जिद में आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे एक अल्जीरिया की एक फ़ॉरेन लड़की मिल गई, तो उसको यू नो उसको ना कुछ लड़के परेशान कर रहे थे मीना बाज़ार के अंदर। मतलब ये मीन्स यार कुछ करेंसी वगैरह के बारे में पूछ रही थी, तो वो इनकी मतलब लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे थे, तो मैंने इनसे फिर इंग्लिश वगैरह में बात करी, तो मैंने इनकी करेंसी चेंज करवाई। तो मैं ऐसे इनको ना जामा मस्जिद घुमा रहा हूँ यहाँ पर, ये देख सकते हो आप इनको, ये खड़ी, इनका नाम है नसीमा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज भाई मैं निकल पड़ा हूँ इंडिया गेट के लिए। आज मैं दिखाने लाया हूँ तुम लोगों को इंडिया गेट। तो एक्चुअली यार उनको साथ ना काफ़ी मतलब मिसबिहेव हो रहा था उनके साथ। एक्चुअली मैंने इनको जब जामा मस्जिद घुमाई थी ना, तो मैं सुबह का टाइम था, वो जामा मस्जिद जब मैंने इनको घुमाई तो उन्होंने मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि यार तुम मुझे मतलब घुमा दो इंडिया गेट भी। तो मैं यार काफ़ी टाइम वाइम निकाला, मैंने कहा चलो यार संडे क्लास वगैरह भी नहीं है, ठीक है, तो मैंने सोचा चलो यार घूम के देते हैं थोड़ा सा। जामा मस्जिद तो मैंने इनको दिखा दी थी, अब मैं इनको लेकर आया हूँ इंडिया गेट। सो मैं तो यार व्लॉग शूट कर रहा था, तो मैंने सोचा यार इनको थोड़ा बहुत घुमा देता हूँ, इनको एक्सप्लोर कर देता हूँ यार दिल्ली। तो इनको ले आया हूँ मैं यहाँ पर इंडिया गेट। Like you will do all the editing? Yes, yes, yes. All the editing. Yes. Editing is must, you know? Yes, I know. You know, shoot is 40% and editing is 60% yes. in vlogs. Yes. You visit India Gate first time? Yes. Yes. भाई पहली बार ये यहाँ पर आई हैं इंडिया गेट पर, तो इनको ना काफ़ी अच्छा लग रहा है इंडिया गेट आकर। जामा मस्जिद पे इनसे मैं मिल लिया था जामा मस्जिद पर ही, ठीक है। सो पहले हम निकले थे मेट्रो में, यार मेट्रो में यार मैं ज़्यादा सफ़र करता नहीं हूँ, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। जहाँ भी जाते हैं गाड़ी से जाते हैं, कहीं पर भी घूमते फिरते हैं गाड़ी से ही घूमते हैं। तो मेट्रो से यार मुझे इतना पता नहीं, मैं गुम हो गया यार, इंडिया गेट लेकर नहीं पहुँच पाया मैं इनको सही से। खान मार्केट, फिर खान मार्केट से हमने पकड़े ऑटो, फिर ऑटो वाले ने यहाँ छोड़ दिया हमें। ये इंडिया गेट की अभी बैक साइड है, बैक साइड यू नो देयर। वेट वेट, तो भाई ये मुझसे पूछ रही कब आज़ाद हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो मैंने इनको बताया भाई 1947 में आज़ाद हुआ था। तो ये महात्मा गांधी के बारे में यार जानती हैं, तो इन्हें पता है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी को यार कौन नहीं जानता, महात्मा गांधी और शाहरुख खान। एक्सक्यूज मी नसीमा, यू नो शाहरुख खान? शाहरुख सर को तो भाई सभी जानते हैं यार, कोई भी हो यार। शाहरुख खान और एक क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी, इनको सभी जानते हैं, ऑलमोस्ट सब जानते हैं। व्हाट्स इज सुमी लीना? सुमी लीना, आई डोंट नो हाउ टू से इट इन इंग्लिश, इन हिंदी इट्स सेमोलिना इन इंग्लिश। यस, देन वी मेक लाइक सॉस विद मीट एंड वेजिटेबल्स। यस एंड वी मिक्स बोथ। सेमोलिना, सेमोलिनिया मींस, गाइस मुझे तो नाम भी लेना नहीं आ रहा। सेमोलिनिया मींस इज यू नो स्वीट या स्पाइसी? नो नो, नॉट स्वीट, सॉल्टी। ओह, इट्स सॉल्टी। यस, ओके। लाइक वी मेक सॉस विद मीट एंड डिफरेंट वेजिटेबल्स, हां, एंड वी मिक्स देम टुगेदर, ओके, एंड दिस इज कुसकुस। ओके ओके, कुसकुस। भाई कौवे को देख को तो यार ये बहुत खुश हो गई, क्योंकि अल्जीरिया में ये वाले कौवे नहीं दिखते देखने को। शुक्रान जजीलन, शुक्रान जजीलन, इसका इसका मीन्स है, इनको भाई बहुत तगड़ी अरबिक आती है, तो इसका मीन्स है व्हाट्स द मीन, थैंक यू वेरी मच, ओह थैंक यू वेरी मच, शुक्रान जजीलन। ये भाई काफ़ी स्टैंडर्ड वाली अरबिक बोलती हैं, तो यार अल्जीरिया में फॉर लैंग्वेजेस मस्ट हैं, इंग्लिश इतनी मस्ट नहीं है, ठीक है। एक तो फ्रेंच है और एक अरबिक है, एंड अदर डायलेक्ट्स, अदर डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स, ओके ओके, अदर डायलेक्ट्स फॉर पता नहीं। जो अभी दो लैंग्वेजेस बताई हैं मुझे नहीं पता यार ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये मस्ट है, तो वहाँ पे अरेबिक मस्ट है, सो इसलिए इन्हें काफ़ी अच्छी तगड़ी अरेबिक आती है भाई।
All this leave it. You eat first. Yeah. Okay. You love it French fries. भाई देखो भाई ये इसके अंदर क्या डाल के दिया, ये फिश ये है और इसके अंदर कुछ नहीं है। इंडियाज मोस्ट ऑफ पीपल्स ईट मैक आलू टिक्की बर्गर इन मैकडॉनल्ड्स, देयर इज नो मैक आलू टिक्की बर्गर, यू नो इट्स वेरी टेस्टी, इट्स वेरी टेस्टी। What's the time? 3. You like it? Yes, it's okay. Order, visit your nearest McDonald's now. Not bad. Not bad. He's not. You know, Mac तो भाई मैं खाना पीना खाने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, इनको कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। I choose Amazon. ₹100 100 के दो। हाँ हाँ, तो भाई ये दोनों सामान लिया है, ऐसे बैग में डाल दो यार। कमा लेट्स गो। भाई घर पर आ गया है, तो आप लोगों को यार कैसा लगा ये वीडियो? टूटा फूटा सा व्लॉग था, कुछ कुछ क्लिप ली थी, कुछ कुछ नहीं ली मैंने, वो इसलिए नहीं ली, वो मैं आप लोगों को अभी आगे चल के बताऊंगा। तो गाइस एक वीडियो को एंड करने से पहले ना सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं मैं आप लोगों को। बस गाइस आप लोग मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश करना, बाकी मैं आप लोगों को सब स्टार्टिंग से बताता हुआ चलता हूँ। गाइस मैं आप लोगों को ना शुरू से एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ, बस आप मेरी बात सुनते जाओ, क्योंकि यार आप लोगों को थोड़े थोड़े पार्ट्स में वीडियोस मिली हैं। देखो गाइस मैं मीना बाजार का व्लॉग शूट करने गया था, वहां इतनी सस्ती सस्ती वहां पे चीजें मिलती हैं। मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा, उस वहां पे व्लॉग शूट करते करते ना गाइस आप लोगों ने एक ऐसा पार्ट देखा होगा जो मैंने मेट्रो की तरफ से दिखाया है, वहां पे मैंने इस लेडी को देखा था। वहां पे ये जो मेरी फ्रेंड है अल्जीरिया से, तो इनको मैंने वहां पे फर्स्ट टाइम देखा था। तो मैं तो ऐसे नॉर्मली अपना व्लॉग शूट कर रहा था, तो ये थोड़ी सी आगे गई तो इनके पीछे पीछे मैं भी व्लॉग शूट करता हुआ चल रहा था। तो जैसे ये थोड़ी आगे गई ना गाइस, तो इन्होंने कुछ पूछा, किसी मतलब कोई ऐसे छपरी लड़के थे उनसे कुछ बात करने की इन्होंने ट्राई करी। तो गाइस ये कुछ करेंसी वगैरह के बारे में पूछ रही थी उनसे, ठीक है। तो उन छपरी लोंडों ने वो पता नहीं कैसे थे क्या थे, उनको जरी सी भी रिस्पेक्ट नहीं थी, तो वो गाइस इनका ना मजाक बनाने लगे। एक्चुअली गाइस उनकी ना थोड़ी लैंग्वेज अलग थी, तो गाइस उन लोगों को यार कुछ इनकी लैंग्वेज नहीं समझ आई, वो लोग ना गाइस इनका मजाक बना रहे थे, मतलब ऐसी खिल्ली उड़ा रहे थे। तो मैं यार देख के गया, मैंने कहा कैन आई हेल्प यू, मैंने उनसे पूछा यार अब क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा यार मेरे को करेंसी चेंज करानी है, मैंने कहा ओके श्योर मैं आपकी करेंसी चेंज कराने में मदद कर सकता हूँ। तो गाइस अपन तुम्हारा भाई यार इतना दयालु है, ले गया उनको जामा मस्जिद के एक नंबर गेट पे, वहां पर उनकी करेंसी चेंज करवा दी। तो करेंसी चेंज करवाते करवाते वहां तक पहुंचते हमारी बहुत अच्छी बातें होने लगी एंड काफी अच्छी मेरी मुलाकात हो गई थी उनसे। तो उन्होंने मेरे से यार इतनी अच्छी बात कही कि मुझे स्ट्रेंजर पीपल्स, उन्होंने कुछ ऐसा वर्ड यूज किया था क्विड फिश, उस वक्त मेरे को ये वाला सेंटेंस नहीं समझ आया था, क्विड फिश किया था उन्होंने, मुझे स्ट्रेंजर पीपल्स बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन तुम मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा ओ थैंक यू सो मच। तो उन्होंने मेरे से यार काफी जिद करी, उन्होंने कहा जामा मस्जिद के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो तुम्हारा भाई तो वेल ही था भाई, निकल पड़ा उनको जामा मस्जिद लेकर, दिखा दी उनको जामा मस्जिद, पूरी हिस्ट्री उनको बता डाली। तो यार वो ये देखकर मुझे काफी मतलब ना इम्प्रेस हुई, तो उनको ना मेरी यार काफी आदत अच्छी लगी। बस मैं देखो यार मैं अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा, बस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। दिल्ली में उनके पास पूरा मैप था दिल्ली का, तो मेट्रो से वो सफर कर रही थी,
तो गाइज वो ना मुझसे पूछने लगी कि दिल्ली में कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए। मैंने उनको बहुत सारी मतलब सजेस्ट कर दी कि आप इंडिया गेट चले जाओ, हुमायूं टॉम चले जाओ, अकबर हुसैन की बावली चले जाओ। तो वो ना काफी मतलब ऐसी सी हो गई थी कि घबरा सी गई थी, इतनी सारी चीजें मैंने उनको बता दी। तो उन्होंने गाइज मुझसे रिक्वेस्ट करी क्या तुम मुझे घुमा सकते हो ये सब चीजें। और मैंने कहा नहीं मेरे पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं है। मैं एक्चुअली ना उनको ऐसी मतलब टालने लगा, मैंने कहा नहीं यार मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन वो दिन संडे का था तो मैंने उनसे सिर्फ आधा घंटा मांगा। मैंने कहा चलो ठीक है आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो आप मुझे हाफ एन आवर दो, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। तो वो लेडी पता है उससे क्या बोली, नहीं नहीं यू लुक गुड, आप इसमें ट्राउजर टी शर्ट में अच्छे लग रहे हो। गाइस वो स्लीपर पहना हुआ था तो तुम्हारा भाई भैया जी निकल पड़ा चेंज वेंज करके उनको इंडिया गेट के लिए। इंडिया गेट में यार मैंने फिर से उनको हिस्ट्री बता दी। देखो यार गाइस एक मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उनको मैंने इस वीडियो में जरा सा भी कहीं पर भी फेस नहीं दिखाया। आप लोगों ने देखा होगा जहां जहां वो दिख रही है तो उनके फेस पे स्माइल या कुछ स्टिकर वगैरह आ रहा होगा, तो उस पे आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा ये सब आ रहा था। तो यार मैंने उनसे ना पूछा था कि यार मैं आपका व्लॉग शूट कर सकता हूँ, मतलब आपको अपने वीडियो में ले सकता हूँ। तो यार उन्होंने मुझसे एक बड़ी कमाल की बात की, आप लोग हाँ हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, मतलब वीडियो वगैरह की इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता। तो उन्होंने कहा आप मेरी वीडियो शूट नहीं करो, आप मेरी रिकॉर्डिंग कर सकते हो ओनली, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ओके। अब देखो यार मैं उनके सामने कुछ ज्यादा चीजें बोल नहीं पाया, बहुत सारी चीजें तुम्हें पता है कैसे मैं बोलता छोलता हूँ, बकता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो वहां पे मैं उनके सामने कुछ भी ऐसा नहीं बोल पाया क्योंकि यार मैं जब जब उनके सामने कैमरा निकाल के ऐसे कुछ बोल रहा था तो वो मेरे से कहते ट्रांसलेट प्लीज। ये मेरे लिए काफी बहुत ही टिपिकल वर्क था उनको ट्रांसलेट करके बताना कि मैं अपने व्लॉग में क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि यार जब जब मैं अपना कैमरा निकाल रहा था ऐसे वैसा कुछ भी कर रहा था तो उनको ना यार थोड़ा सा ना ऑकवर्ड फील हो रहा था। उनको नहीं पता यार कुछ भी मैं हिंदी में क्या बोल रहा हूँ, मैं उनके बारे में बकवास बोल रहा हूँ या कुछ बुरी बात बोल रहा हूँ। तो चलते चलते उन्होंने मुझसे यार एक बात की थी कि मैं तुम्हारा व्लॉग जरूर देखूंगी, बस तुम इंग्लिश सबटाइटल लिख दो ना। तो मैंने कहा या या आई ट्राई माय बेस्ट, मैं ट्राई करूंगा। तो यार मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैसेज मेरा यही है, अगर यार आप लोगों को किसी चीज के बारे में नहीं पता तो यार आप उस चीज को मत बताओ ना, काहे के लिए आप लोग उनका मजाक बना रहे हो। तो यार वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे अपने यार कंट्री में, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे यार इंडियन पीपल्स ऐसे होते हैं, ऐसी गलत बात है यार। अगर आपको नहीं पता उस चीज के बारे में सो प्लीज आप उनको मना कर दो कि हमें नहीं पता, वो फिर किसी और से ट्राई करेंगी। अगर आप उनके सामने ऐसे ही ऐसे उनको स्लीजिंग करने लग जाओगे तो यार ये फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो बस मेरा यही मेन मोटिव है यार ये वाला व्लॉग शूट करने का और यही लास्ट में आके आप लोगों को बताने का अच्छी तरीके से। तो यार काफी अच्छी उनसे मुलाकात हुई। तो चलो गाइस अपन मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा यार कमेंट में जरूर बताना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।